Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing a very important remedy from third prof, and that is petroleum. Friends, when I will discuss petroleum, please take a little interest on skin symptoms of petroleum, because वही सिम्टम्स हैं जो एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एंड आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी रेमेडी की देखना चाहते हैं जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, ताकि मैं विद इन अ वीक उस वीडियो को पोस्ट कर पाऊँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, let's start discussing petroleum with the help of Ellen Key notes. यहाँ पर mention किया गया है that adapted to person with light hair and skin, irritable, quarrelsome disposition. So इसका जो person होता है वो light hair और skin का होता है, काफी ज्यादा irritable होता है and quarrelsome disposition का होता है. That means छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा offend हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. Moving on, easily offended at trifles. छोटी छोटी बातों पर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि गुस्सा हो जाता है, बुरा मान जाता है, वैसा होता है पेट्रोलियम का पेशेंट. वेक्स्ड एट एवरीथिंग, हर बात पे ये वेक्सेशन इसे करनी होती है. एलमेंट्स फ्रॉम राइडिंग इन अ कैरेज, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है किस चीज से, फ्रॉम राइडिंग इन अ कैरेज, रेल रोड और इन अ शिप. Moving on, symptoms appear and disappear rapidly. इसके symptoms अचानक से आते हैं और अचानक से चले जाते हैं. So appear and disappear rapidly. This can be seen in Macfos and Belladonna as well. लेकिन जो platina होती है या फिर जो Stalamet के patient होते हैं उसमें symptoms बहुत gradually आते हैं और बहुत gradually disappear भी होते हैं. Moving on, during sleep or delirium imagines that one leg is double that another person lying alongside of him in same bed. So सोते वक्त इसके patient को क्या लगता है, that इसका जो एक leg है वो double हो गया है, या फिर कोई और person इसके साथ bed पे lie कर रहा है at the same time, that there are two babies in the bed. उसको ऐसा sensation होता है that उसके अलावा कोई और भी है जो उस bed को उसके साथ share कर रहा है. Moving on, vertigo on rising. जैसे ब्राइनिया के पेशेंट में है कि वो जैसे ही बेड से राइज करता है उसे वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही पेट्रोलियम के पेशेंट में भी ये देखने को मिलता है. Moving on, in occiput as if intoxicated, like sea sickness. So हम पेट्रोलियम को सी सिकनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और ये जो वर्टाइगो की सेंसेशन होती है ये बेसिकली occiput रीजन में, दैट मीन्स सर के पीछे वाली रीजन में फील होती है. मूविंग ऑन, हेडेक भी यहाँ पर ऑक्सीपिट रीजन में है, विच इज एज हेवी एज लेड. हेवीनेस लगती है इसको हेड में अपने. प्रेसिंग और पल्सेटिंग पेन होता है, आप इसे याद कर सकते हो, दैट पी फॉर पेट्रोलियम एंड पी फॉर प्रेसिंग पल्सेटिंग पेन. As if everything in the head were alive. उसको ऐसा लगता है कि उसके सर में जितनी भी चीजें हैं, they have turned alive. Moving on, numb, bruised as if made of wood. So इसके head में numbness मिलेगी, bruised sensation मिलेगी. That means उसको ऐसा लगेगा that he has got hurt, blunt injury हुई है उसको, और उसकी वजह से उसका दर्द हो रहा है. And उसको लगता है कि उसका सर जो है is made up of wood. फ्रेंड्स, देयर इज अ रेमेडी जिसमें जो पर्सन होता है उसको लगता है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो वुड से बनी हुई है. वो कौन सी रेमेडी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. मूविंग ऑन, गैस्ट्रेल्जिया ऑफ प्रेगनेंसी विथ प्रेसिंग ड्रॉइंग पेन वेन एवर स्टमक इज एम्प्टी. सो गैस्ट्रेल्जिया की दिक्कत यहाँ पर मिलती है, और कब, when the stomach is empty, relieved by constant eating. इसका जो person होता है, इसकी gastralgia is relieved by constant eating. Moving on, diarrhea की अगर हम बात करें तो yellow watery gushing diarrhea मिलेगा हमें यहाँ पे after cabbage.
अगर कैबेज इसने इंटेक किया तो उसके बाद डायरिया की दिक्कत मिल सकती है प्रेगनेंसी में, सोर क्राउट के इंटेक से, स्टॉर्मी वेदर के बाद। पर डायरिया जो होता है इट इज ऑलवेज इन द डे टाइम। नाउ फ्रेंड्स, देयर इज ऑल्सो अ रेमेडी जिसमें डायरिया सिर्फ नाइट टाइम में होता है। वो कौन सी रेमेडी होती है आप उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ द स्किन ऑफ होल बॉडी। नाउ फ्रॉम हियर द पेट्रोलियम का जो ये कंटेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ के स्किन में पेनफुल सेंसिटिवनेस मिलेगी स्किन ऑफ होल बॉडी में। सो सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है। ऑल क्लोथिंग आर पेनफुल, इसको जो भी कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा पेन कॉज करते हैं। स्लाइट इंजरी सप्यूरेट्स, छोटी मोटी सी भी चोट लगती है उसमें तुरंत सप्यूरेशन हो जाता है। हिबर सल्फ में ऐसा होता है, ग्रेफाइटिस में होता है, साइलिशा भी एक ऐसी रेमेडी है जिसमें स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेस सप्यूरेशन। मूविंग ऑन, स्किन ऑफ हैंड रफ क्रैक्ड एंड टिप्स ऑफ फिंगर्स आर ऑल्सो रफ। यहाँ पे जो क्रैक एंड फिशर्स वाला पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट स्किन ऑफ हैंड आर रफ, फिंगर्स आर क्रैक्ड, फिशर्ड एवरी विंटर। इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर विंटर सीजन में बढ़ जाती है। मूविंग ऑन, टेंडरनेस फीट में ऑब्जर्व होगी विच आर बाथ इन फाउल स्मेलिंग स्वेट। सो यहाँ पर फाउल स्मेलिंग स्वेट भी ऑब्जर्व होता है पेट्रोलियम के पेशेंट में। मूविंग ऑन, हर्पीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जेनाइटल ऑर्गन्स में विच एक्सटेंड्स टू पेरिनियम एंड थाई। ठीक है, ऑर्गन्स एक्सटेंडिंग टू पेरिनियम एंड थाइज, उसमें भी इचिंग रेडनेस होती है। स्किन का क्रैक होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है पेट्रोलियम का। मूविंग ऑन, रफ एंड ब्लीडिंग, ड्राई और मॉइस्ट स्किन में भी प्रेजेंट। हीट एंड बर्निंग ऑफ सोल्स ऑफ द फीट, फ्रेंड्स ये चीज सल्फर में भी देखने को मिलती है दैट जो सोल्स ऑफ फीट है उसमें बर्निंग होती है। एंड पाम्स ऑफ हैंड, स्वेट एंड मॉइस्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल्स इन द बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। दैट मींस जो मॉइस्चर है या फिर जो स्वेट है एक्सटर्नल जेनाइटल के एरिया में वो दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट मिलता है। दैट मींस इन द मेल एज वेल एज फीमेल। मूविंग ऑन, पेनफुल इचिंग चिलब्लेन्स एंड चैप्ड हैंड, फ्रेंड्स आप पेट्रोलियम की को एक विंटर की रेमेडी समझ सकते हो बिकॉज ज्यादातर चिलब्लेन्स की जो दिक्कत होती है जो हैंड्स चैप्ड हो जाते हैं ये ज्यादातर विंटर सीजन में देखने को मिलता है। ऑल्सो वी हैव सीन दैट स्किन भी रफ और क्रैक्ड हो जाती है और ये भी हमें विंटर सीजन में देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, एग्रेवेशन कब होता है, देखिए यहाँ पर फिर मेंशन किया है दैट एग्रेवेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द कोल्ड वेदर। सो यहाँ पे एग्रेवेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कोल्ड वेदर एंड ड्यूरिंग डिक्यूबाइटर सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट हार्ट। इसको हार्ट के अबाउट कोल्डनेस फील होती है। ये चीज कार्बो एनिमलिस में भी और नैट्रम म्यूर में भी प्रेजेंट है, काली म्यूर में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, इसमें एग्रेवेशन कैसे है, राइडिंग इन कैरेज से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म और विंटर इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने एक बार पेट्रोलियम का रिकैप देने की कोशिश करूं तो पेट्रोलियम एक ऐसी रेमेडी होती है जिसमें जो पर्सन होता है उसमें डायरिया की दिक्कत होती है बेसिकली कैबेज के इंटेक से। जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, पेनफुल होती है, जिसकी वजह से इसमें क्रैक और फिशर्स देखने को मिलते हैं विंटर सीजन में। ऑल्सो इसकी जो बॉडी होती है, जो फीट और पाम्स होते हैं उसमें स्वेट मिलता है, इसके जो जेनाइटल एरियाज होते हैं वहां पे स्वेट मिलता है, इचिंग और रेडनेस ऑब्जर्व होती है अगर हर्पीस की दिक्कत है जेनाइटल्स एरिया में तो। मूविंग ऑन, इसमें स्वेट और मॉइस्चर एक्सटर्नल जेनाइटल्स में मिल ही रहा था, उसके साथ साथ चिलब्लेन्स की दिक्कत, चैप्ड हैंड, जो भी दिक्कतें विंटर्स में आती हैं उन सब के लिए पेट्रोलियम बहुत अच्छी रेमेडी होती है। टू स्टडी अलाइड सब्जेक्ट्स विथ हैंड रिटन नोट्स प्लीज 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 सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल मेडिक्योर बॉडी। आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
So friends, this is all about a brief session in which we discussed a very important remedy, petroleum. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और videos आपके साथ share करूं और वो videos miss ना हो तो please मेरे channel को subscribe कीजिए. Comment करके ज़रूर बताइएगा कि आप next video कौन सी remedy का देखना चाहते हो. Thank you.